यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर चोरों ने डाका डाला है। जी हाँ, यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर चोरों ने चोरी की है। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। गाइस आप सबको मालूम है सौरभ जोशी ब्लॉग्स के घर पे चोरी हो चुका है और इस टॉपिक पे गाइस बहुत कोई वीडियो भी बना रहे हैं। ठीक है, मैंने भी एक वीडियो बनाया गाइस और आप सबको दिखाया। अगर आप नहीं देखे तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो या फिर मैं आई बटन में भी डाल दूंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एक्चुअल वजह क्या है, क्यों सौरभ जोशी ब्लॉग्स के घर पर चोरी हुआ। गाइस आप सबके मन में डाउट हो रहा होगा ये न्यूज़ रियल है या फेक है। अगर ये न्यूज़ फेक होता तो गाइस मैं आप सबको वीडियो बनाकर नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि गाइस मैं आप सबको कभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। चोरी तो हुआ है ये पक्की खबर है गाइस, लेकिन सौरभ जोशी ब्लॉग्स ने अपने वीडियो पे कोई सा भी अपडेट नहीं दिया है, ना कि इसके बारे में कुछ बोला है। क्योंकि गाइस आप सबको मालूम है उनका हर वीडियो में जो है कितना ज्यादा व्यूज होता है, इसलिए शायद गाइस इस बात को थोड़ा सा छुपाया जा रहा है। अब गाइस मुझे तो यही लगता है सौरभ जोशी ब्लॉग्स क्यों अपडेट नहीं दे रहे अपने फैंस को। ठीक है, आप सबको मालूम होगा गाइस उसके चैनल पे उसके हर वीडियो पे कितना ज्यादा व्यूज रहता है पूरे दिन के अंदर। एक दिन पे कम से कम गाइस 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन और भी ज्यादा व्यूज होता है। शायद ये हो सकता है पुलिस ने उनको मना किया होगा, आप अपने वीडियो के जरिए किसी को ये इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। शायद इसीलिए सौरभ जोशी ब्लॉग्स ने किसी को इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया, कोई सा अपडेट नहीं दिया। लेकिन सौरभ जोशी ब्लॉग्स अभी फिलहाल जो है घर पे नहीं है, बाहर है। ठीक है, खबर तो जरूर से उनको पता चल गया होगा, लेकिन अभी घर पे जो है सिर्फ उनके पापा हैं। गाइस अगर आपको अब भी लग रहा है न्यूज रियल है या फेक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो गाइस मैं आप सबको एक वीडियो दिखा देता हूँ। जेजेएल न्यूज की एक रिपोर्टर है, एक लड़की, उसने सौरभ जोशी ब्लॉग्स के घर के सामने जाके परमिशन लेकर के वीडियो भी बनाई थी जिसमे जो है उसके पापा घर पे थे। ठीक है, आज सुबह हमने आपको एक खबर बताई थी कि यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर चोरों ने डाका डाला है। जी हां, यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर चोरों ने चोरी की है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सौरभ जोशी जी का घर है, जहाँ 29 अक्टूबर की रात को चोरों ने यहाँ पर धावा बोला था और कई सामान यहाँ से उनको लूट के लेके गए थे। और गाइस उसके और एक वीडियो में उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी पूछा है आपका क्या कहना है इसके बारे में, सौरभ जोशी ब्लॉग्स तो अभी घर पे नहीं है, तो पुलिस ने क्या कहा गाइस मैं आप सबको दिखा देता हूँ। 29 अक्टूबर की रात को सौरभ जोशी के यहाँ पे चोरी हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये 29/30 की रात्रि की घटना है ये। और जो चोरी किया था सामान है, कितना कुछ लेके गए? अभी सामान को जो वादी मुकदमा है, कंप्लेनेंट है, पूरी रिपोर्ट, क्योंकि जो सौरभ जोशी ब्लॉगर है वो बाहर है। कब तक आने की बात कही जा रही है सौरभ जोशी की? वो बाहर है, वो देखो जब भी आते हैं अब गाइस आप सबको मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या चोरी हुआ है, कौन चोरी किया है, चोर पकड़ा गया या नहीं। ये गाइस अपडेट तो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जिनसे पूछा गया इंस्पेक्टर सर वो बोले हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स जब तक घर पे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, जब वो घर पे आएंगे फिर जो है सारा कुछ डेटा आप सबको पता चलेगा और गाइस मैं आप सबको अपडेट भी दे दूंगा अगर मुझे ऐसा कुछ पता चले तो। और ये जो मैं गाइस आप सबको बता रहा हूँ ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है, आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़े दिन बाद में ही आप सबको पता चल जाएगा। अपडेट तो सौरभ जोशी ब्लॉग्स की तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन आई होप आ जाएगा। ठीक है, उनका घर के आने के बाद। लास्ट में गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्लॉग तो हर कोई बनाता है और सौरभ जोशी ब्लॉग लाइफ स्टाइल ब्लॉगर हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, जितने सारे उनके घर के अंदर ब्लॉग बनाते हैं सारा कुछ जो है दिखाते हैं, बहुत कोई उनको फॉलो भी करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, लेकिन गाइस सब लोग जो है सेम नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोग जो है उनके तरक्की से जलते हैं, जेलस फील करते हैं। ठीक है, शायद उसी के वजह से इतना सब कुछ हुआ। तो गाइस मुझे तो बस यही लगता है सौरभ जोशी ब्लॉग्स अपने वीडियो पे सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि नहीं देना चाहिए, कुछ कुछ जो है लाइफ में प्राइवेट रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सौरभ जोशी का वीडियो हर दिन जो है लाखों लोग देखते हैं, यही एक कारण है गाइस, किसी की नज़र पड़ी घर के अंदर तो मौका मिला, तो बस गाइस यही रीज़न है जो मुझे लगता है किसी की नज़र पड़ी घर के अंदर और देखा कहाँ पे क्या रखा है। ठीक है, जब देखा घर पे कोई नहीं है तो मतलब हाथ साफ कर लिया। बस मेरा कहने का मतलब यही है गाइस, सब कुछ क्यों नहीं बताना चाहिए पब्लिक में। ठीक है, व्लॉग करते हो सही बात है, लेकिन हर चीज़ अगर बता दोगे तो सब जो है इक्वल नहीं है, सब सेम पर्सन नहीं है, सबका सोच अलग है। ठीक है, इसी की वजह से गाइस प्राइवेसी कुछ रखना चाहिए लाइफ के अंदर, वरना कभी भी फैमिली को भी खतरा हो सकता है और घर पे खतरा हो सकता है। ठीक है, तो गाइस मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ एंड आई होप आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा, ये न्यूज़ जो है बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल रियल न्यूज़ है। और आई होप आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ आप सबसे ऐसी किसी कमाल के ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड लव यू ऑल।